मैं सच बताऊँ, जैसे मुझे कॉल आया कि बाटा के लिए, तो वो एक्साइटमेंट एक होती है ना बच्चों की तरह, बिकॉज हम सब ने आई थिंक लाइक लिटरली मैं कोई भी ऐसे हिंदुस्तानी को नहीं जानती जिसने बाटा के जूते ना पहने हो। बचपन में स्कूल में हम सब ने पहने हैं हमारे, चाहे वो बाटा के वो ब्लैक वाले जूते हो, जो हमारे वाइट कॉन्वर्स शूज़ जो होते हैं, जो हमारे पीटी डेज पे हम लोग पहनते हैं। तो इट्स जस्ट कि एक बाटा से आई थिंक हम सबका बचपन से कनेक्शन है, तो अच्छा लगता है अगर आप एक ऐसे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने आए जिसके साथ आपकी एक मेमोरी और आपका एक पर्सनल अटैचमेंट होता है। तब हमारे पास हम लोग जस्ट वाइट होते थे शूज या ब्लैक होते थे, लड़के हो या लड़कियां। अब बाटा के सेम जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो कॉन्वर्स बाटा के वाइट जो शूज होते हैं वो उन्होंने सेम अलग कलर्स में निकालने शुरू किए। तो आई जस्ट लाइक दैट हाउ बाटा फैशनेबल बन गया है बहुत ब्रांड, यू नो। जैसे जो मैंने हील्स भी पहनी आज एक्चुअली बाटा की है, जी हाँ बाटा की है, या एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट आई लाइक कि बाटा कैसे यू नो कहाँ से शुरू होके एंड कहाँ से इट्स टेकन, लाइक इट्स स्टिल द सेम, आपका वही वेरिएबल बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बट इट्स बिकम फैशनेबल नाउ। सो दैट जस्ट बिकम्स बेटर कि आप ऐसा कोई ब्रांड पहन रहे हो जो आपको पता है रिलायबल ब्रांड है, यू नो बाटा सुनते हैं हाँ जूते चलेंगे हमारे सालों चलेंगे, और ऐसा ब्रांड अगर हील्स निकाले, फैशनेबल जूते मेन एंड वुमेन के लिए निकाले, तो आपको पता चलो सालों तक आपके जूते हैं आपके पास।